बार एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि कबीर साहब ने तो गुरु नहीं किया, क्या मैं भी बिना गुरु के पा सकता हूं सत्य को? बात वही आ जाती है कि यदि आप पा सकते तो ये बात पूछने के लिए हमारे पास ना आना पड़ता। जब ये पाने की ही बात पूछने हमारे पास आना हो गया तो पाने के लिए आप स्वयं कैसे सक्षम हैं? बुद्ध ने पाया है स्वयं, कबीर ने पाया है स्वयं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप पा ही लोगे। ये तो अपने भीतर की तैयारी की बात है, ये तो अपने भीतर की जागरण की बात है, आप भी पा सकते हैं, पर हमारी चेष्टा कहां है? एक बार एक व्यक्ति ने कहा, आप तो व्यवहारिक, मैं कुछ व्यवहारिक बातें कर रहा था कि बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, गुटखा मत खाओ। उसने कहा, ये बातें तो आप छोड़िए, आप तो ध्यान की बातें करिए। और उस वक्त भी वो आदमी तंबाकू रगड़ रहा था। उसने कहा, आप मुक्ति की बात बताइए, आप ये क्या साधारण बात करते हैं। मैंने कहा, जिस व्यक्ति के हाथ से अभी, जो व्यक्ति अभी तंबाकू से मुक्त ना हो सका, उसे मैं क्या मुक्ति की बात बताऊं? और यदि मैं आपको तंबाकू से मुक्ति की बात कर रहा हूं तो पहली बात यह समझ लो कि जिस दिन आप तंबाकू से मुक्त होने का संकल्प ले लोगे, उसी दिन आगे की मुक्ति का मार्ग आपके लिए खुल जाएगा। अभी आप तंबाकू से मुक्त नहीं हो, अभी आप गाली से मुक्त नहीं हो। जिस मुख से पवित्र वचन बोलने थे उससे आप गालियां दे रहे हो, और आप कहते हो आप तो मुक्ति की बात करें, आप तो मोक्ष की बात करें, आप तो अंतिम बात करें। अरे अंतिम बात तो तब आएगी जो पहली बात आप ठीक कर लोगे। अरे बीए में एडमिशन तो आपका तब होगा जब पहली क्लास आप पास कर जाओगे। कोई आदमी पहली में ही 10 बार फेल हो और कहे मैं बीए में एडमिशन करना चाहता हूं, ये तो बिल्कुल बिना सिर पैर की बात होगी। या घूस लेकर के तो एमए की भी डिग्री मिल जाएगी, लेकिन ये ध्यान साधना में कोई घूस से डिग्रियां नहीं मिला करती। घूस से कोई महंत हो सकता है, घूस से कोई नेता हो सकता है, घूस से कोई मंत्री हो सकता है, लेकिन घूस देकर कोई साधक नहीं हो सकता, घूस देकर कोई संत नहीं हो सकता, घूस देकर कोई त्यागी तपस्वी नहीं हो सकता, क्योंकि यह निजी संपत्ति है जो अपनी साधना अपने श्रम से पाया जाता है, उपलब्ध हुआ जाता है। अगर कोई आदमी कहे मैं घूस देकर भक्त हो जाऊं तो यह तो बिल्कुल बेकार की बात है। भक्ति से भक्त हुआ जाता है, साधना से साधक हुआ जाता है, पूजा से पुजारी होता है। कोई बाहरी चीज नहीं है जो खरीद सके आप, कि गुरु को घूस दे दो और गुरु आपको लेवल दे दे कि तुम तो अब हो गए। बाहर से तो होना सरल है, बाहर से होने में क्या लगता है, भीतर होना सबसे बड़ी बात है। और जो गुरु होते हैं वही भीतर की बात बताते हैं। तो आप मुक्त होना चाहते हैं, बाहर से पहले आप अपने भीतर प्रवेश करें। बाहर की बातों को, जैसे व्यवहारिक बातें हैं या कुछ मोटी मोटी बातें हैं, उसको जब तक हम निरीक्षण ना कर लें, परीक्षण ना कर लें। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत दिनों से सत्संग करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत दिनों से गीता का पाठ करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बीजक का पाठ करते हैं, धम्म पदम का पाठ करते हैं, लेकिन उनके भीतर से अभी भी नफरत नहीं गई है, उनके भीतर से अभी भी वैमनस्य नहीं गया है, उनके भीतर से अभी भी कचड़े मिटे नहीं है। तो धम्म पदम का पाठ करने से क्या होगा, बीजक का पाठ करने से क्या होगा? बीजक के शब्द तो हम रटते चले जाते हैं, धम्म पदम का शब्द हम रटते चले जाते हैं, लेकिन उन शब्दों का क्या अर्थ जब हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, जब हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। आदत तो हम बना लिए ध्यान करने की, आदत तो हमने बना ली है प्रार्थना गाने की। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना गुनगुनाते हैं तो मालूम पड़ता है इससे बड़ा भगत तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वही आदमी जब व्यवहारिक जीवन में जाता है और दूसरे के हक छीनता है, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करता है, तब लगता है कि क्या ये वही आदमी है जो मंदिर में खड़ा था, क्या ये वही आदमी है जो भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, और व्यवहार में इसका जीवन क्या है। तो ये अलग बात है कि हमने ध्यान को भी आदत बना लिया, पूजा को भी आदत बना लिया। किसी को सिगरेट पीने की आदत होती है, किसी को बीड़ी पीने की आदत होती है, किसी को चाय पीने की आदत होती है, ऐसे ही किसी को ध्यान करने की आदत हो गई है। अंतर कुछ नहीं,
आप ये मत समझना कि कोई आदमी ध्यान करता है और वो आदत बना लिया कि 6 बजे ध्यान करना है, 7 बज गया तो आदमी को सिर में दर्द हो जाएगा कि मैं तो रोज 6 बजे करता था, आज लेट हो गया, अब क्या करूं। ऐसे ही कोई आदमी चाय पीता है, एक दिन चाय छूट जाए तो सिर में दर्द हो जाएगा, वो आदत बन गई है। कोई बीड़ी पीता है, एक दिन बीड़ी छूट जाए तो सिर में दर्द हो जाएगा। अब किसी से पूछो कि बीड़ी से तुम्हें क्या मिला, वो आदमी कहता है मिला तो कुछ भी नहीं है। चाय से तुम्हें क्या मिला, वो आदमी कहेगा मिला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं पीता हूं तो सिर में दर्द जरूर होता है, उससे मिला कुछ नहीं है, लेकिन आदत ऐसी बन गई है कि यदि वो पीना छोड़ दो तो दर्द आरंभ हो जाता है। ऐसे ही माला फेरना छोड़ दो तो मन में पीड़ा होने लगती है, मिला तो कुछ नहीं है। माला फेरने से अब तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुखमाहे और मनुआ तो चौदिस फिरे ई तो सुमरन ना है। कहा माला तो फेर रहे हो, आदत तो बना लिया माला फेरने का। एक बार दक्षिण में एक मंदिर का पुजारी मर गया। एक बड़े ही मस्त संत हुए हैं रमण महर्षि, गांव के लोग उनके पास गए, कहा इस क्षेत्र में आपसे बढ़िया संत तो कोई है नहीं और पुजारी मर गया है, मैं आपसे अनुग्रह करता हूं आप मंदिर चलें और आप ही मंदिर में पुजारी का काम संभालें। रमण महर्षि ने कहा हम संत हैं, हम पुजारी नहीं हैं, मुझे ये जिम्मेदारी मत दो। लोगों ने कहा आपसे बड़ा और कोई है नहीं इस क्षेत्र में, और यदि मैं दूसरे को बुलाऊं तो ये आपका अपमान होगा, आप ही चलें। संत रमण महर्षि कहते हैं एक बार फिर कहता हूं, तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे, मुझे मत ले चलो। उसने कहा नहीं, चलना तो आप ही को है। उसने कहा घंटी उंटी बजाना मेरे बस की बात नहीं, कहा कुछ नहीं करना है, सुबह 6 बजे बजाना है, शाम को 6 बजे बजाना है, बिल्कुल 2 ही बार है, टाइम बंधा हुआ है, आपको कोई टेंशन नहीं, बाकी समय खाओ पियो। कहा ठीक है, जिद करते हो तो चलता हूं। और पहले ही दिन शाम को पहुंच गए गांव वाले, गांव चले गए। कहा आज अब एक दिन घंटी नहीं बजी थी, गांव वाले परेशान थे, कहा चलो अब संत जी आज से घंटी बजाएंगे। लोग घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कब 6 बजे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जब मंदिर में घंटी बजती है तो भोजन शुरू करते हैं। अब वो 6 बज गया, घंटी बजी नहीं। लोगों ने कहा क्या हो गया, कुछ लोगों ने कहा पहला दिन है, भूल गए होंगे, याद नहीं रहा होगा, कल से ठीक हो जाएगा। सब लोग भोजन कर लिए, सो गए। अचानक रात को 12 बजे घंटी की आवाज सुनाई देने लगी, जोर जोर से। पुजारी तो धीरे धीरे बजाता था, रमन महर्षि तो ले हथौड़ा पीटने लगे, मालूम पड़ा एक ही बार में तोड़ ही देंगे। गांव वालों ने कहा हो क्या गया है, ये रमन महर्षि कहीं पागल तो नहीं हो गए, कहीं शाम को गलती से अफीम तो नहीं खा लिए। लोग पहुंचे, कहा क्या कर रहे हैं, कहा घंटी बजा रहा हूं, देख नहीं रहे। कहा टाइम 6 बजे का था। कहा तुमने निर्धारित किया था 6 बजे, अपने को मन नहीं हुआ 6 बजे, क्योंकि घंटी बजाने का मतलब तुम समझते क्या हो। उसने कहा घंटी बजाना मतलब भगवान की इबादत करना, भगवान की उपासना करना। कहा भगवान की उपासना किस स्थिति में हो सकती है, कहा जब पूर्ण प्रेम की स्थिति हो। कहा 6 बजे मैं पूर्ण प्रेम की स्थिति में नहीं था, 12 बजे मुझे प्रेम जगा है, 12 बजे मैं उपासना की स्थिति में आया हूं, इसलिए मैं 12 बजे बजा रहा हूं। तेरा नियम जरूर 6 बजे होगा, लेकिन 6 बजे तो मैं इधर उधर की बातों में था, तुम लोगों की चर्चाएं मेरे मन में घूम रही थी, 6 बजे प्रभु के प्रति मेरा कोई प्रेम नहीं था। गांव वालों ने कहा लेकिन नियम तो 6 बजे का है। कहा जब कोई चीज नियम बन जाए फिर वो उपासना खत्म हो जाती है, वो भक्ति खत्म हो जाती। उसने कहा जो भी हो सुबह से आप टाइम से बजाएंगे। लोग फिर चले गए समझा बुझा कर कि संत हैं, एक बार में मान जाएंगे, उन्हें क्या पता कि संत दुनिया से थोड़ा उल्टे होते हैं। कबीर साहब ने तो कहा जमते उलट भये हैं राम, और है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलटी वेद बूझे। कहा जब तक जगत के विपरीत नहीं होगे ज्ञान समझना मुश्किल है, और संत वही होते हैं जो जगत से थोड़ा विपरीत होते हैं, यही तो फर्क है। बाकी तो खाना वही, पीना वही, चलना वही, जीना वही, आखिर फर्क क्या है, यही तो फर्क है। लोग चले गए, फिर सुबह 6 बजे इंतजार करने लगे कि अब तो घंटी बजेगी, फिर नहीं बजी।
दस बजते ही घंटी बजनी शुरू हो गई। कहा ये तो बड़ा उठपटांग आदमी है, ये तो कोई टाइम का ख्याल नहीं है, आधे घंटे का फासला हो तो बात चलेगी, छह के बजाय साढ़े छह बजा देता तो चलेगा, ये तो कोई अता पता ही नहीं चलता, छह के बजाय दस और शाम छह के बजाय रात को बारह। गांव के सरपंच सहित सब लोग इकट्ठे हुए, कहा क्षमा करें हम लोग आपको समझ नहीं पाए, आप जाएं हम लोग अपने से बजा लेंगे। अपने से बजाने लगे, नियम था बजाना है। सदगुरु कबीर कहते हैं ध्यान को नियम मत बनाना, महापुरुषों के वचनों को जीवन में धारण करना है तो किसी भी चीज को नियम मत बनाना। सुख चाहिए जीवन में, बंधन से मुक्ति चाहिए तो ध्यान को, सत्संग को और माला फेरने को भी नियम मत बनाना, आदत मत बनाना। हमने तो आदत बना लिया, कहा इसको अपने जीवन की स्थिति बना लेना, आदत मत बनाना। ये तो जीवन दर्शन है, ध्यान आदत नहीं होनी चाहिए, ध्यान तो श्वासों में बस जाए। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, और उठत बैठत कब हो न छूटी ऐसी तारी लागी। जहां कोई आदमी कहता है सुबह उठो ध्यान करो, कोई कहता है सुबह उठो माला फेरो, वहां सदगुरु कबीर कहते हैं अरे सुबह ध्यान करोगे तो बाकी समय क्या करोगे। जैसे कोई आदमी, अभी आप सब सत्संग में बैठे हैं, अभी किसी को किसी से कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं होगा, बिल्कुल प्रेम में बैठे। यहां से जाते ही पड़ोसी के झगड़े आपको याद आ जाएंगे, यहां से जाते ही सास बहु के बीच के झगड़े याद आ जाएंगे, यहां से जाते ही खेत खलिहान याद आने लगेंगे, यहां से जाते ही बाजार शहर दुकान सब याद आने लगेंगे, यहां से जाते ही बेटा गलत कर रहा है वो याद आने लगेगा। यहां बैठे हैं तो सब भूल करके प्रेम में बैठे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस प्रेम की अवस्था में आप इस पंडाल में बैठे हो, यही प्रेम आपके खेत में भी रहे, यही प्रेम आपके घर में भी रहे, यही प्रेम बाजार में भी रहे, तो समझना कि सत्संग को आपने धारण किया है। जैसे मोबाइल आज सबके पास है, आप इसको एक घंटे चार्ज में लगा दो, जब तक ये चार्जिंग में लगा है तब तक ये मोबाइल ऑन रहे, और चार्जिंग से हटाते ही ये ऑफ हो जाए तो आप क्या करेंगे। एक घंटे आप मोबाइल को चार्ज में लगाओ और मोबाइल काम करे, मोबाइल में बातचीत हो, वीडियो देखो, जो करना है करो, और जैसे ही चार्जिंग से हटाओ मोबाइल ऑफ हो जाए तो आप कहेंगे या तो मोबाइल खराब हो गया है या चार्जर खराब हो गया है, कुछ तो है गड़बड़। क्योंकि आप तो यही चाहोगे कि एक घंटे अगर मैं चार्ज करूं तो ये कम से कम 24 घंटे तो चले। सदगुरु कबीर कहते हैं ये एक घंटे का सत्संग अगर आप करो तो बाकी 23 घंटे जीवन में चार्जिंग तो रहनी चाहिए, वो प्रेम का प्रभाव तो 23 घंटे रहना चाहिए, वो ध्यान का प्रभाव तो 23 घंटे रहना चाहिए। लेकिन यहां जैसे ही चार्जिंग से आप अलग होते हैं, इस सत्संग रूपी पावर हाउस से जैसे ही आपका कनेक्शन कटता है, वो चार्जिंग वहीं खत्म हो जाती है, वो प्रेम, वो भक्ति, वो श्रद्धा, वो सब वहीं रह जाता है, और आप जैसे ही गेट से बाहर होते हैं वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही शरीर, वही संसार, वही परिवार, वही दुनिया, वही दारी। इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं खराब है, इसका मतलब है कि पावर हाउस से जो आपका कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन ठीक से हो नहीं पाया, आपका चार्जर खराब है, आपका जो सुरति रूपी चार्जर है, आपका जो लगन रूपी चार्जर है, आपका जो ध्यान रूपी चार्जर है वो बिल्कुल खराब है, उसको आप ठीक करें और सत्संग रूपी पावर हाउस से आप अपना कनेक्शन ऐसा बनाएं कि ये सत्संग की चार्जिंग आपके भीतर जाए तो कम से कम 23 घंटे तो आप चार्ज रहो। गुरु यही तो देता है, और गुरु देता क्या है। कोई आदमी आता है गुरु से कहता है मुझे पुत्र दे देना, सदगुरु कबीर ने कहा है ना, कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। का ऐसे भी धर्म गुरु हैं जो बेटा देते हैं, जो धन देते हैं, पुत्र देते हैं, नौकरियां देते हैं, लेकिन वो मन की शांति नहीं देते। निर्मल दरबार लगता है, आदमी की भीड़ वहां देखो, क्या पूछना। आपके जीवन में कोई समस्या है, आपके जीवन में कोई दुख दर्द तकलीफ है, तो वो निर्मल दरबार बड़े ही गजब तरीके से आपका समाधान करता है।
उनके वीडियो आप देखें, उनके चैनल आप देखें, तो आपको कपिल शर्मा का शो नहीं देखना पड़ेगा। इतनी कॉमेडी, इतनी कार्टूनबाजी होती है उनमें। आपके जीवन में कोई दुख है और आपने बताया कि क्या करें, हमारे जेब में धन तो रुकता ही नहीं है, हम तो कंगाल होते जा रहे हैं, वो समाधान बताएंगे, तुम रोज क्या खाते हो? आप कह देंगे सुबह समोसा खाता हूँ, वो कह देंगे किस में खाते हो? आप कहेंगे मैं स्टील के प्लेट में खाता हूँ, वो कहेंगे आप प्लेट में मत खाओ, हाथ में लेके खाओ, ठीक हो जाओगे। आपको लगता है इसमें आप ठीक हो सकते हैं? आपको लगता है इससे आपका समाधान हो सकता है? आप कहेंगे हमारे जीवन में दुख है, वो कहता है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कैसे डलवाते हो, खुला पैसा देते हो कि बंधा पैसा देते हो? आप कहो बंधा देता हूं, कल से खुला देना, आप ठीक हो जाओगे। ऐसे बिना सिर पैर की बातों से आज दुनिया में धर्मगुरु समाधान देते हैं और हम भी इतने नासमझ हैं कि उनके सामने खड़े होकर नाक रगड़ते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा। जो संत आपको साधना की बात बताते हैं, जो संत आपके जीवन में आपको सही दिशा देते हैं, वहां हम खड़े होते हैं तो हमें कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक और तो कहता है कुछ भी मत करो, नाम लो, जगत से पार हो जाओगे, चाहे लड़ाई करते हो लड़ाई करो, झगड़े करते हो झगड़े करो, बीड़ी पीते हो बीड़ी पियो, लेकिन सदगुरु कबीर विचार मंच के सामने आप आते हैं तो मनसा वाचा कर्मना पवित्र जब तक नहीं होगे, कोई शक्ति आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। माता पिता की सेवा की बात ये कबीर विचार मंच कहता है। जीवन में सत्य अहिंसा प्रेम करुणा को धारण करने की बात ये मंच कहता है।